हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। करते हैं आज के मोटो व्लॉग को स्टार्ट। मोटो व्लॉग सेटअप लगा लिया है मैंने, तो एंगल बढ़िया आ रहा होगा शायद। तो बाइक की सर्विस करवानी, क्योंकि ये तेल खाता है नीचे का थोड़ा सा, इसको चेक करवाना है कितना 1000 किलोमीटर चला है, तेल कम कर गया है, तो बाइक का ध्यान रखना पड़ता है ऐसे ही। तो चलते हैं बस, और ये कागज़ देख के आगे डॉक्यूमेंट देख के समझ ही गए होंगे, आज 8वां दिन है हमें इन पे साइन करवाने का, लेकिन साइन नहीं हो रहे। आज देख के, आज पूरी कोशिश है साइन हो जाए। तो ओ भाई, बाइक तो ज़्यादा कल ही वाटर क्रॉसिंग आ गई है। वाटर क्रॉसिंग और आगे बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही। कितना 8वां दिन है कि 7वां, कौन सा 8वां दिन है हमें तेल लिबास आते हुए, क्योंकि साइन ही नहीं होते। वीडियो लेकिन 2 दिन बनाई, एक दिन तो वो था पारुल को स्कूटी लेनी थी, लेकिन दोबारा गया ही नहीं पारुल वहाँ। क्योंकि इसने बाइक बेच दिया था, ये मेरे को ऐसा बोल रहा था, मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन बाइक बेचा नहीं था इसने। तो आज इसको स्कूटी दिला के लेके आएंगे, इसलिए मैंने ब्लॉग में बोला था कि मतलब न्यू स्कूटी कमिंग है, मतलब जल्दी आएगी स्कूटी। तो देखते आज पारुल को दिलाएंगे स्कूटी, कौन सी लेगा। तो चलते हैं, एंगल और आवाज़ बड़ी आ रही होगी, हेलमेट में लगा रखा माउंट मैंने, तो देखते आज टेस्ट भी हो जाएगा, ब्लॉग भी बन जाएगा। हम पहुंच गए हाईवे पे और देखेंगे आज साइन करवा के जाएंगे यहाँ से, कुछ हो जाए तो चलते हैं अभी। वैसे पहले साहिल भी गया है, तो वो भी साइन करवाने गया है, हो गए होंगे, नहीं तो फोन आ जाता उसका। तो यहाँ से ये लोकेशन आ रही है अभी, यहाँ से स्कूटी देखी थी हमने, ये रही वो स्कूटी सबसे राइट वाली, तो आते टाइम देखेंगे इसको भी। तो यहाँ से नहीं, आगे वाले गेट से चलें जो पंप के सामने से है, सीधा तहसील में। तो एंगल तो बढ़िया आ रहा है, मैं देख रहा हूँ फोन। तो पंप के सामने वाला गेट है ये, तो इसमें से एंट्री होगी इसी गेट में से, और ये सामने तहसील। वाइड एंगल में क्लियर भी आ रहा होगा शायद, कल भी परसों भी बनाई थी मैंने, तो इसका काम करवाते हैं पहले, फिर मिलते हैं आप। तो कल का व्लॉग भी शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी जो ये रिले थी इंडिकेटर की, ये जड़ गई थी, और मैंने रिस्क नहीं लिया, बाइक ऑन नहीं किया था ना, ही शोच लगाया था इसकी वजह से। और एक चीज़ देखी आपने, वॉलपेपर, ये तार अलग से जोड़ रखे, तो ये जल गई, ये फूल गए, और फिर ये देखो लाइट में, देखो ये जल गई, इस स्विच में से निकाल लिए इसमें से, और तो ठीक है, बाइक ऑन करके देखा है अभी, ये इसका मेन है ना, ये ख़राब हुई है, और ये इसके अंदर लाइट दिखा एक बार, इसके अंदर ये क्ले है शायद, नकली सौदा यो, जदे नकली लोक लोकल है ये, लोकल में मिट्टी, इसलिए देखो, ये देखो लोकल है बिल्कुल, मिट्टी इसके अंदर है, कुछ भी नहीं है, तो कमाता मर जाएगी। ये इसी में रखेंगे और कल लेके जाएंगे ना, तब देंगे उसको कि ये लोकल डाली थी, पूरे तो ये दिक्कत हुई थी, इसकी वजह से बाइक खराब था पूरे दिन, वायरिंग फॉल्ट हो जाता, वायरिंग में अगर एक बार और ऑन कर देता जब भी, तो दिक्कत हो सकती थी। बस बैठ दे, पूरे पसीने आ गए हैं, और तो भी शायद ही आएगा कल, कल का व्लॉग तो आएगा, लेकिन जो मैं बोल रहा था कि BS4 वर्सेज BS6 की ड्रैग रेस थी, वो नहीं आएगी, वो परसों आएगी, तो अभी इसको फिट करते हैं।
तो ये लोकल डाल दी, कल दे के आएंगे उसको वापस चेंज करवा के लेके आएंगे। ये है तो इंडिकेटर की, लेकिन पूरी वायरिंग को जब ख़राब कर सकती थी, तो हमने वैसे ऐसे ही खोल के देख लिया कि ये नई डलवाई थी मैंने थोड़े दिन पहले, 10-15 दिन पहले, तो इसी में दिक्कत थी। और आज सर्विस भी करवा दी इसकी। बाइक में ये प्रॉब्लम हुई थी, मैं आया था कहीं से और चारों इंडिकेटर का मैंने एक स्विच लगा रखा अलग से, तो वो स्विच ऑन कर दिया मैंने और फिर चारों इंडिकेटर ऑन थे। 2 मिनट तक डरा रहा बाइक, उसके बाद धुआं उठा थोड़ा और फिर ब्लास्ट, वो रिले ब्लास्ट हो गई, तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैं वहीं पे छोड़ के आ गया था, तो बाद में लेके आया हूँ। तो रिले लोकल डाल रखी थी, कल जाऊँगा मैं मिस्त्री के पास कि लोकल रिले डाल रखी है, तो इस वजह से ड्रैग रेस भी नहीं हो पाई। तो ड्रैग रेस करेंगे कल, परसों मिल जाएगा आपको व्लॉग। तो इस व्लॉग में था इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।